जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे, हो झंडा लहराया था असली ही मर्दाने थे। बता श्रोता, असली मर्द वो होता है जो अपनी आन बान शान और अपने तिरंगे को ऊंचा रखे और बताया, हो जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। गांधी जी के चरखा चलाने से आई है, किस किस का मानना है? आप लोगों को मानना किसका है कि इस देश में जो आजादी आई वो सिर्फ गांधी जी ने चरखा चलाया उस कारण वर्ष इस भारत वर्ष में आजादी आई? नहीं आई श्रोताओं, उन नौजवानों को जब फांसी लगी थी जब इस देश में आजादी आई, के कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, के कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, और क्यों झूठ बोलते हो साहब? आजादी चरखे से आई थी, आजादी चरखे से आई थी, चरखे से आजादी नहीं आई। हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, और नेतार भगत सिंह का घर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सैलान नहीं होता, आजादी का गए गोली थे, वतन के रक्षक असली सीने पे खा गए गोली, था इंकलाब का नारा, था इंकलाब का नारा बस यही एक थी बोली, था इंकलाब का नारा बस यही एक थी बोली। ना घर में पढ़ के सोए, ना घर में पढ़ के सोए, जंगल में ठिकाने खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। क्या कहने मास्टर जी के?
किस किस के घर में या किस किसी का रिश्तेदार हो, दोस्त हो, फौज में किसी के घर में से कोई है या किसी का यार दोस्त हो, मिलने वाला हो, है किसी के घर में से कोई फौजी? किसी के भी घर में से नहीं है, है बहुत है। आप लोग आए दिन सुनते रहते हो कि आए दिन हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं, पाकिस्तानियों का शिकार हो जाते हैं, तो क्या कहती है जो सरकार होती ना, गंदी सरकार, अरे क्या हुआ, एक फौजी तो था और फौजी तो देश पर मरने के लिए बनते हैं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या फौजी देश पर मरने के लिए बनते हैं? नहीं श्रोताओं, तो कहने लगे कि क्या हुआ, हम उसको मुआवजा देंगे 5 लाख। फिर भी न मानते जी, उससे भी बड़ा एक और विधायक निकट का, अरे अनुकर तेरी सरकार 5 देगी, हम 10 लाख देंगे। गंदी राजनीति खेलने से बाज नहीं आते, कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम 10 दोगे हम 20 लाख देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या कोई सुहागन का सिंदूर 10 लाख में ला के दे सकता है तो दे, उस बहन की राखी ला के दे सकता है तो दे, उस माँ की कोक का लाल ला के दे सकता है तो 20 लाख में दे? नहीं दे सकता। श्रोताओं, तो बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी कि तुमने 10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी उन पुरुषोत्तम माओं को, अरे लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, अगर मंत्रियों में दम है तो लड़ने भेजे अपने बेटों को, और क्या बताया सुन कैसा भला। सदमे गुजरे हाँ, विधवा हुई जो नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे, इस आजादी के कारण, इस आजादी के कारण जन कितने गुण में उजड़े, इस आजादी के कारण जन कितने गुण में उजड़े, दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने थे, झंडा लहराया था असली फॉर्चुनर गाड़ी और नुके पापा एक दिवादे एप्पल को फोन और कुछ नीचे ने किसी ने ना कही कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा अपने गांव अपनी बिरादरी का नाम रोशन करूंगा। आजकल फेसबुक का बड़ा क्रेज है जी और व्हाट्सएप का, उसमें ये नहीं पता कि जिससे बात कर रहे हैं वो लड़का है कि लड़की, और नुके पापा प्यार होगा, यू ही चाहिए, यही सुबह करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। ये भी नहीं पता जिससे बात कर रहा वो लड़की है कि लड़का,
जब शादी कर ले बाद में पता लगेगा तो बीच कोई लिखड़ा इनका काम बेकार। बाद में रोते डोले लड़की लेके भग जाएंगे प्यार के चक्कर में, इससे क्या होता है गांव की बिरादरी की समाज की सबकी बेइज्जती होती है। काम करना है तो ऐसा करो जो तुम्हारी माँ की कोख को गाली ना मिले कि मेरे बेटा ने ऐसा काम किया। और एक भगत सिंह थे कि फांसी लगने जा रही थी, फिर उनकी माँ उनसे मिलने पहुंची, कह रहे बेटा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तू बता। एक वो नौजवान थे मात्र 23 साल उम्र थी, बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने और बताया क्या कहा। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। वो भगत बोस उधम सिंह थे भारत माँ के वीरा, आजादी लाके छोड़ी, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। उनके दिल में एक ही अरमान था, और आजकल के नौजवान तो सिर्फ लौंडियन के पीछे बावले हैं। इनके लिए एक बात कहना चाहूंगी, क्या क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्या क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, और दो गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, और मेरे जैसी हसीना दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए। बताया के वीरा, वो भगत बासी उधम सिंह थे भारत माँ के वीरा, आजादी लाके छोटी, आजादी लाके छोटी ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोटी ना उन जैसा कोई हीरा। बस दिल में समाया था, बस दिल में समाया था, अंग्रेज भगाने थे झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे असली मर्दाने थे। भ्रष्टाचारी आज भारत माँ रोती है कुछ देश में भ्रष्टाचारी, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी हो गए जो देश को नोच नोच कर खाए जा रहे हैं। किसानों की तो आपने हालत देखी होगी, सरकार में क्या करी थी ठंड में, कितने शहीद हुए उसमें, लेकिन ये गंदी राजनीति कब तक चलेगी। इस देश पे जो भी आता है सिर्फ नोच के खाने के लिए आता है। एक इंसान ने मुझसे पूछा, मेरे ताऊजी थे, बोले बेटा अब तो तू बड़ी हो गई वोट डालियो, मगर कोई ढंग का दिखे तो सही वोट डालने वाला, जो भी आवे वो अगले को बाप लिख दे। देश है नोचने के चक्कर में कोई भी ऐसा नहीं आता जो इस देश के बारे में सोचे, सिर्फ दिखावटी पॉलिटिक्स रह गई है। वे जमाने गए जब लोग अपनी जनता को अपने बालक के समान मानते थे और जनता के लिए काम करते थे, अब तो अपने नोट बनाने बस दुनियादारी जाओ भाड़ में। आइए क्या बताया आखिरी बात में, बहुत अच्छे आज भारत मां रोती है कुछ देश में
भ्रष्टाचारी। आज भारत मारोती है कुछ देश में भ्रष्टाचारी। ये अपना पेट बढ़ाते, ये अपना पेट बढ़ाते कह देवेंद्र परचारी। ये अपना पेट बढ़ाते कह देवेंद्र परचारी। आज सुषमा ताज कर गी, आज सुषमा ताज कर गी, जो की तो पुराने थे लहराया था असली मरदाते थे, झंडा लहराया था असली मरदाते थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली की।